सरायकेला के आदित्यपुर में बीती रात एक युवती के साथ चलती ऑटो में छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। छेड़छाड़ होता देख चलती ऑटो से युवती छलांग दी और थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना डीएम आवास के महज 500 गज की दूरी पर घटी है। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली रहती थी। सुबह जब महिला के घर काम करने वाली ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखने पर महिला मृत पाई गई। महिला के पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर एसपी अनिल कुमार ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो रहती थी और एक टीनेंट है किराएदार है। सुबह में जब वो दरवाजा नहीं खोली है तो फिर दाई जो नित्य रोज काम करने के लिए आती थी उसके द्वारा सभी को सूचित करके और किया गया है। जो अंदर जाने पे देखा गया है कमरे में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसमें इंजुरी का भी गले पे चिन्ह है। और अभी इसमें हम लोगों ने एसएसएफ की टीम को बुलाया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी ही इस चीज़ का हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और कौन इसमें संलिप्त अपराध करनी है। बाढ़ में तेज रफ्तार का कहर फिर से एक बार देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि साइकिल और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया है, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक बाढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। सीतामढ़ी में एक महीने से चल रहे सड़क सुरक्षा माह के दौरान परिवहन विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां नियमों की अनदेखी और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले को परिवहन विभाग की ओर से गुलाब का फूल दिया गया। साथ ही उन्हें सड़क से जुड़े सावधानी के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मोटर वाहन निरीक्षक एमवी मिश्रा ने एनसीसी और बच्चों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। जमुई जिले के आदर्श थाना झाझा में शनिवार को जनता दरबार लगाया गया, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गईं। वहीं मौके पर ही कई जमीन विवादों का निपटारा भी किया गया। जनता दरबार में झाझा थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार, राजस्व कर्मचारी लालचंद हेम्ब्रम सहित अंचल कार्यालय झाझा के कई कर्मचारी मौजूद रहे। कैमूर में तैलिक साहू सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के तमाम जिले से आए तैलिक समाज के लोग शामिल हुए। सभा में समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू भी शामिल हुए। उन्होंने तैलिक समाज के विकास के लिए लोगों की राजनीति से जुड़ने का आग्रह किया। अभिनंदन समारोह किया गया है और इसमें समाज की एकजुटता के बारे में आज परिचर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि तैलिक साहू समाज दानवीर भाभा साह का वंशज है, लेकिन यह समाज सदियों से समाज का सेवा करने का काम करता है, लेकिन आज के डेट में पूरे प्रदेश में इस जाति को, इस समाज को, बनिया वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को टारगेट करके लगातार हत्या अपहरण। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में इस बार शिवरात्रि में शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। आपको बता दें कि 27 सालों से देवघर में शिव बारात निकालते रहे हैं, जिसमें लाखों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए शिवरात्रि महोत्सव समिति ने यह निर्णय लिया है कि शिव बारात नहीं निकाली जाएगी।
राज्य में कोरोना की स्थिति जो है सामाजिक दूरी बनाने की है। वैक्सीन जरूर लग रही है, लेकिन वैक्सीन आते आते बहुत लोगों को अभी समय लगेगा। और आप ये जानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ जो कि लाखों की भीड़ हो जाती है, हमारे कलाकार भी सब एक साथ रहते हैं, लाखों की भीड़ रहती है, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी का भी निर्देश रहा और हमारे सभी सदस्यों ने इस बार ये विचार विमर्श किया कि नहीं, इस बार हम लोग विद्या की देवी माँ शारदे की पूजा में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन मूर्तिकारों के चेहरे पर मायूसी है। दरअसल महंगाई और आर्थिक मंडी ने मूर्तिकारों की कमर तोड़ कर रख दी है। बख्तियारपुर के मूर्तिकारों का कहना है कि अब मूर्तियों के खरीदार नहीं मिलते, जिससे कुछ ही मूर्तियां बिक पाती हैं। इस कारण इस पेशे में लगे कारीगरों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, फिर भी सरकार इनके प्रति उदासीन बनी हुई है। सरस्वती का बनेगा, शंकर जी का बनेगा, लक्ष्मी जी का, हाथी, तोता, दूसरा राधा कृष्णा सब बनेगा। ये चीज़ें बढ़ते हैं बाद हुई मूर्ति का काम करेगा, पहले भी बेचने जाएगा गांव गांव। जैसे मूर्ति है 2000 वाला है, 2500 वाला है, 3000 वाला है, 300 वाला है, 2000 वाला है, ऐसा मूर्ति है जो बनाया। जो मूर्ति पड़ा मेरे पास है ना, मेरा अभी कहाँ आ रहा है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।